पेप्सी और टाटा कंपनी से एक बहुत बड़ी खबर कि पेप्सी के फ्रिज में आखिर टाटा नमक का क्या काम। बहुत सारी लंबी छानबीन करने के बाद हम पहुंचे हैं उस दुकानदार तक कि आखिर मामला क्या है कि आप पेप्सी के फ्रिज में रखकर टाटा नमक बेच रहे हैं। आइए जानते हैं उन दुकानदार से कि आखिर सारा मामला क्या है। अगली आवाज दुकानदार की ही होगी। जी सर, मामला तो कोई भी नहीं है और मुझे कोई हक भी नहीं है पेप्सी में टाटा नमक बेचने का, और कोई शौक भी नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन पिछले कई बरसों से मैं पेप्सी कंपनी का माल बेच रहा हूं और उनका ये फ्रिज मेरे पास है। मैंने ये फ्रिज डैमेज हो गया अचानक से, और ये मैंने कई बार इसको सही कराया, इसमें गैस पड़वाई, लेकिन जो उनका सर्विस वाला बंदा था उसने मुझसे 3-4 बार यही बात कही कि हम गैस इसमें कई बार डाल चुके हैं लेकिन ये फ्रिज जो है आपका डैमेज हो चुका है। आप जाके कंपनी के लोगों से बात करें, मेल करें, कंप्लेन करें, डिस्ट्रीब्यूटर को बताएं और जो लड़के कंपनी से आते हैं उनको बताएं। मैंने सबको बारी बारी सबको ये बात बताई। मैंने मेल भी करवाया, मैंने कंपनी को मैसेज भी करवाया, मैंने कंप्लेन नंबर भी की, कस्टमर केयर पर कॉल भी किया, और जितने भी 3-4 फील्ड में बंदे बदल चुके हैं अब तक मैंने उनको भी कॉल किया, और 2 डिस्ट्रीब्यूटर बदल के मैंने उनको भी कॉल मैसेज बताया, उनको सारी कोशिश, लेकिन भाई इस पर कोई सुनवाई नहीं। और सोने पे सुहागा, मैं पिछले 12 साल से माल बेच रहा हूँ, और जो कल अभी परसों जो इस महीने में या 2 महीने में जितनी भी दुकानें खुली उन सब पे पेप्सी के फ्रिज आकर नए नए लग गए, लेकिन मेरे पुराने फ्रिज की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या क्या सीनियर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है क्या? क्या सीनियर की कोई बात नहीं रखी जाती है क्या? अरे सीनियर की भी अपनी एक इज्जत है। अगर माँ बाप पुराने हो जाते हैं तो उन्हें क्या फेंक दिया जाता है क्या? उन्हें घर से निकाल दिया जाता है? नहीं ना, ऐसे ही मैं भी सीनियर हूँ और मेरे पास भी आपका फ्रिज पुराने टाइम से चल रहा था। अब जब बेचारा ख़राब हो गया तो इसे बदलवाना तो पड़ेगा ना, आपकी जिम्मेदारी तो है ना, आप ऐसे तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए मैंने जब देखा कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं है तो फिर मैं कुछ तो करता, मुझे मरहम तो मिला नहीं, तो फिर मैंने जब मुझे पेप्सी कंपनी से मरहम नहीं मिला मेरे फ्रिज के बदले में, तो फिर मैंने इसमें टाटा नमक लगाना शुरू कर दिया। मैंने इससे में इतना नमक लगाना शुरू कर दिया कि ये नमक बेचते बेचते एक दिन अपने आप गल जाएगा। अगर कंपनी चाहती है तो उसकी ये बॉडी फ्रिज की गले ना, सड़े ना, नमक से गल ना जाए, तो उसे अपनी रिस्पेक्ट के खातिर मेरा फ्रिज नया लगाना होगा, वरना भाई मैं इसमें टाटा नमक रख के बेचता रहूँगा और धीरे धीरे ये घुलता रहेगा, गलता रहेगा। तो सवाल है कंपनी का, कंपनी की रिस्पेक्ट का, मेरा फ्रिज मुझे वापस करें, धन्यवाद। माल आपका ही बेचूंगा पेप्सी वालों, इससे बेफिक्र रहे आप, लेकिन भाई फ्रिज बदलवा दें वरना टाटा नमक बिकता रहेगा, और आने वाले कल में हो सकता है कि इसमें मैं तेल भी रख के बेचूँगा। धन्यवाद।